हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से मानव हृदय कार्य करता है। जैसा कि अभी आपने जो 3D वीडियो में देखा है उससे आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो जो जो चीज़ें अभी आपने देखा है उसको थोड़ा विस्तार से थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये वीडियो क्लास 8 से 12 तक सभी के लिए हेल्पफुल है। इसे इन जनरल हम सभी देख सकते हैं, हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता है किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पोजीशन से कि हमारे शरीर में ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका लोकेशन क्या है। तो वैसे तो हम सब ने सुना है अब तक कि जो हमारे शरीर के बाएं भाग में या बाईं तरफ हमारा हार्ट होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाईं तरफ नहीं होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमारे फेफड़ों के बीचों बीच ये हमारा हृदय है। अब इसे बाईं तरफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के बीच इसे प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाई है, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई है बसने के लिए, तो ये थोड़ा सा झुक गया है बाईं तरफ। थोड़ा सा बाईं तरफ झुकने के कारण हमने कहा है कि जो हमारा हृदय है वो बाईं तरफ है, क्योंकि जब इसकी धड़कन है बाईं तरफ झुका हुआ है तो बाईं तरफ ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, ये पहला कारण है। अब देखिए, इतने बड़े शरीर में ये इतना छोटा सा हृदय है तो, और काम इतना बड़ा, तो ये हृदय सिर्फ आपका 300 से 375 ग्राम का ही है, यानी इसके वजन की बात करें तो सिर्फ 300 से 375 ग्राम का ही है। आप अगर मुट्ठी बनाएंगे 5 उंगलियों को एक साथ करके, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा आपका हृदय होता है। अब ये जो हृदय है, हाँ, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, और ये एक सामान्य मनुष्य, जो वयस्क मनुष्य होता है, यानी 18 साल 15-16 साल से लेकर के जो बड़े मनुष्य होते हैं किसी भी उम्र के, वो उनका हृदय इतनी बार धड़कता है, ये उसकी हार्ट बीटिंग रेट होती है। लेकिन छोटे बच्चों की, 10 से 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका जो हृदय होता है 100 से 102 बार धड़कता है। ठीक है, क्योंकि उनका शरीर इतना कैपेबल नहीं होता है हर काम के लिए, इसलिए उनके दिल की धड़कनें तेज़ी से चलती हैं, और जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तब हमारी जो हृदय की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है, वो 78 to 90 भी 80 भी धड़क सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय होता है, हृदय हम सबको पता है हमारा हार्ट जो होता है ब्लड पंपिंग का काम करता है, वो 1 मिनट में 500 ml ब्लड को ही पंप कर पाता है। ऐसा नहीं है, छोटा सा तो है तो काम भी तो धीरे धीरे ही करेगा, कछुए की चाल से ही चलता है, 1 मिनट में 500 ml रक्त को ही ये पंप कर पाता है। ठीक है, अब हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, आइए देखते हैं किस तरह से इसके 4 भाग होते हैं। अब देखिए, ये हमारा हृदय है, हृदय है, इस तरह से इसके 4 भाग होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय। जो पाईं साइड है उसको बायां आलिंद, जो दाहिने साइड है यानी दाएं साइड है उसको दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। अब देखिए, जो आपने वीडियो देखी थी उसमें आप कुछ ब्लू कलर की लाइन देख रहे थे, कुछ रेड कलर की, तो जो ब्लू कलर की लाइन है यानी ब्लू कलर की जो नसें हैं ये अशुद्ध रक्त की हैं, ये आपका रक्त है। जो ब्लू कलर की नसें कलर है यानी ब्लू कलर का जो भी दिख रहा है आपको, अशुद्ध रक्त का भाग है, और जो रेड कलर का है वो शुद्ध रक्त का भाग है, यानी ये जो है ये शुद्ध रक्त का है। जो आलिंद होता है, शरीर से जितना भी ब्लड आता है उनको इकट्ठा करने का काम करता है, और निलय क्या करता है, इन्हें पंप करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें 2 हमारी नलियाँ होती हैं, धमनी और शिरा। अब देखिए, जो शिरा होती है, स से शिरा और स से शुद्ध शिरा, लेकिन रक्त कैसे रक्त का काम करती है, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है शिरा में, और धमनी में कैसे रक्त होती है, धमनी में शुद्ध रक्त होती है। ठीक है, अब जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि एक दरवाजे की तरह कुछ चीज़ें बंद हो रही थी, कुछ चीज़ें खुल रही थी, वो क्या है, वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, बंद होने और खुलने वाला। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमारी शिरा होती है हाँ उसमें दरवाज़ा लगा होता है इस तरह से, और जो धमनी होती है उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता है। तो जब ये शिरा की दरवाजे खुलती और बंद होती तो लब डब की आवाज़ होती है, लेकिन धमनी में ऐसा नहीं होता। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता।
अब देखिए, ये हमारी धमनी है, ये हमारी धमनी है, ये शिरा है। शिरा नीले रंग का, यानी इस पे कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। और धमनी लाल रंग की दिख रही है आपको, यानी इसमें कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। अब आप सबसे पहली चीज इनमें अंतर क्या, ये देख रहे होंगे यहाँ दरवाजा लगा है इस तरह से, यहाँ दरवाजा नहीं। तो सबसे पहली लाइन में आपको क्या लिखना होता है, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप ये समझने के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि शिरा में कपाट होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते। अब एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो है ये पतली है और ये मोटी है, तो शिरा की दीवारें पतली होती है और धमनी की दीवारें मोटी होती है, ठीक है। अब जहाँ दीवारें मोटी हैं तो यहाँ प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, और यहाँ दीवारें पतली तो प्रेशर के साथ ब्लड नहीं जाता, सामान्य रूप से जाता है। ये इनमें कुछ अंतर है। अगर आप इन अंतर को लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा हृदय था, इसकी संपूर्ण कार्यविधि ये है। हृदय का चित्र अगर आपको बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। मेरी एक वीडियो में मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बनाने की विधि सिखाई है कि किस तरह से आप ह्यूमन हार्ट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी